अपने पीछे है ताजमहल। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वनकम, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, कैसे हो आप लोग? बढ़िया बढ़िया ही रहना। तो अभी टाइम हो रहा है अराउंड 9:20 और मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो मुंबई से आ रहे हैं अभी। वो एक्चुअली उसकी शादी में आए थे, तो अभी हमारे साथ यहाँ पे मेरे घर आएंगे और फिर आज का हमारा प्लान है कि हम आगरा जाएँ। आगरा जाके ताजमहल, रामबाग और आई थिंक एक और कुछ प्लेस है, वो भी हम घूमेंगे, देखते हैं। तो हम तो अपने जाएंगे पर्पल पैंथर में, जो अपनी पैंथर है आप देख सकते हो उधर खड़ी है। और मैंने कुछ नया सेटअप किया है मेरा गोप्रो के लिए, तो देखते कैसा आता है आज का वीडियोस। और सूरज वहाँ से उग रहा है, बादल है, क्लाउडी है, पर क्लाइमेट अच्छा है, बढ़िया है, बारिश नहीं हो रही है, बहुत बड़ी बात है। लास्ट टाइम हम जब जिम कॉर्बेट गए थे तो बहुत बारिश हो रही थी, बहुत, और हमारा पूरा ट्रिप का वाट लग गया था। इस बार देखते हैं, इस बार बारिश नहीं है, शायद बहुत बढ़िया होगा। चलो फिर बने रहना मेरे साथ, आगे तो हमको चलते रहने जाएंगे आज, फिर रामबाग जाएंगे, ताजमहल जाएंगे, सब घूमेंगे फिरेंगे, मज़े करेंगे आज। फ्रेंड्स, तो अभी हम निकलने वाले हैं बस, और मेरे फ्रेंड्स भी आ चुके हैं। ये उनकी छोटी वाली बेटी आप देख सकते हो, दिखाता हूँ आपको, रुको, ए गिर जाएगी वो भाई, कैमरा, ये लो बाबू, चुन्नु बाबू। निकल चुके हैं अभी यहाँ से और हम चल पड़े हैं आगरा की तरफ। थोड़ी देर में हम और दो घंटे का रास्ता दिखा रहा है यहाँ से हमको, 144 किलोमीटर मोर। और थोड़ा आप नज़ारा भी बाहर का देखिए, गिम्बल स्टेबलाइजेशन आछे, देखो नोड लो तो, बट वो है। और हमारे साथ हमारे फ्रेंड्स हैं, हेलो, हाय। फ्रेंड्स, तो हम आगरा पहुंच चुके हैं ना, तो बहुत गाड़ियों की आवाज़ है, सॉरी, माफ़ करना। और ये हमारा होटल है, हम दिखाता हूँ, ये होटल है, होटल का एंट्री यहाँ पे है। और हम जा रहे हैं अभी होटल के अंदर, गोप्रो में चार्ज खत्म हो गया तो अभी मुझे इससे शूट करना पड़ रहा है। ये है लॉबी होटल का और बहुत फ्रेंडली कस्टमर्स हैं, सॉरी, बहुत फ्रेंडली स्टाफ है। और मैं आपको रूम भी दिखाता हूँ, ये है होटल एलिवेटिया और दो रूम है, मेरे दोस्तों का रूम है 211, हेलो, और हमारा रूम है 205। तो मैं रूम का व्यू दिखाता हूँ आपको, देखिए। तो यहाँ पे थोड़ा स्टोरेज स्पेस है, कबर्ड्स है, आईना है, आपको दिख ही रहा है, और एक फ्रिज भी दिया गया है, सीटिंग प्लेस ऑफ सोफ़ा, टीवी है। रूम ज़्यादा बड़ा नहीं है पर फिर भी कोजी है, बेड है, लाइटिंग सिस्टम अच्छा है और खिड़की है, खिड़की से ताजमहल दिखता है, पर वहाँ पे कहीं पे दूर आपको ताजमहल अगर दिख रहा है तो पता नहीं, फॉग की वजह से दिख नहीं रहा है, पर हमें दिख रहा है। बाथरूम भी नीट एंड क्लीन है, तो बस ये आप देख सकते हो आईना। अभी हम जाएंगे खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में, यहाँ रेस्टोरेंट फोर्थ फ्लोर में है, रेस्टोरेंट यहाँ पे फोर्थ फ्लोर में, हम जाएंगे बस अब खाना खाने के लिए। तो फ्रेंड्स देखो, हम आए हैं बिचकू रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट के अंदर जा रहे हैं हम लोग, रूफ टॉप है, वाओ नाइस, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। हाय फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं रामबाग के लिए और हमने लिया है ऑटो। यहाँ पे सबसे बड़ा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आगरा में कि आपको पार्किंग 100 रुपये लग जाएगा, तो आप ऑटो ही कर लिया करो, जो 100 रुपये में चले जाएंगे हम लोग सब मिलके, ठीक है। तो ये है बाही छोटू बाबू, ये बाही कैमरा, हेलो, ये
हम रामबाग पहुंच चुके हैं। पीछे है मेरे रामबाग, एंट्री करवा लिया है हमने, ऑलरेडी बुकिंग करके आए थे। बस अभी हम जाएंगे अंदर। तो ये है फ्रेंड्स रामबाग, और रामबाग में एक्चुअली गोप्रो स्टैंड के साथ माइक के साथ अलाउड नहीं कर रहे हैं, और ड्रोन तो अलाउड ही नहीं किया। तो वो अभी हमने पीछे वहाँ पे लॉकर में रख दिया है भैया के पास, वहाँ पे लॉकर में रखा है हमने भैया के पास। ये मेरी फैमिली आ रही है देखो। और रामबाग एक्चुअली जस्ट पार्क है, बड़ी बड़ी सी पार्क है। तो आधा एक घंटे में हम घूम के आ जाएंगे वहाँ पर। अभी व्यू देख सकते हो, और सनसेट वहाँ से हो रहा है। तो फ्रेंड्स रामबाग में तो ज़्यादा कुछ है नहीं, यही मॉन्यूमेंट है, कुछ पेड़ है, गार्डन है, कुछ बहुत सारे फोटोग्राफी किए हमने यहाँ पे। बाकी ये एक पर्टिकुलर स्तूप जैसा है, वहाँ पे आप हम देख सकते हो सनसेट हो रहा है वहाँ से। ये एक पर्टिकुलर स्तूप है, पूरा गार्डन है। मेरी वाइफ वहाँ बैठी है बच्चे के साथ, वो रही, पूरा गार्डन है बस। तो फ्रेंड्स रामबाग का वीडियो को मैं इधर ही ख़त्म करता हूँ। रामबाग में तो ज़्यादा कुछ है नहीं, हम लोग बस फोटोग्राफी कर रहे हैं और कुछ नहीं है। कल जाएंगे सुबह ताजमहल, और आफ्टरनून को जाएंगे हम आगरा फोर्ट। तो उसका देखते हैं, जो वीडियो बना सकते हैं तो बनाएंगे। वहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली उन लोग ने स्टैंड्स गोप्रो अलाउ नहीं कर रहे, ड्रोन भी अलाउ नहीं कर रहे। तो जितना हो सके मैं बाहर से लूँगा, अंदर तो नहीं ले पाएंगे शायद। जो भी होगा मैं मोबाइल से तो ले ही रहा हूँ, 4K में ही ले रहा हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना। चलो मिलता हूँ फिर कल सुबह मॉर्निंग में, ठीक है। One eternity later. Good morning friends, namaste, sasrikaal, salam alaikum, vanakkam. तो आज है day 2 of हमारा trip to Agra, और आप देख सकते हो व्यू कैसा हो गया, पूरा fog है एकदम। इतना fog है, देखिए कितना fog, कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा। देखिए सामने कल आपको ब्रिज दिख रहा था, अभी ब्रिज नहीं दिख रहा है। नीचे गाड़ियाँ चल रही है, देखिए गाड़ियाँ का भी लाइट नहीं दिख रही है हमको, सिर्फ लाइट ही दिख रही है बस। ये देखिए फ्रेंड्स क्या व्यू है, ऐसा लग रहा है कहीं हम लोग कहीं हम हिल स्टेशन में आ चुके हैं। मैंने सोचा था आप लोगों को सुबह सुबह मॉर्निंग में व्यू दिखाऊंगा, वहाँ पे ताजमहल दिख रहा था, पर इतना फॉग है कि कहीं कुछ नहीं दिखने वाला है हम लोग को। तो इतने फॉग में हम क्या देखेंगे, कुछ नहीं देख सकते। अब मैं जस्ट उठा हूँ नींद से, जस्ट मुंह धो के कैमरा ऑन करके आपके सामने आ चुका हूँ। कुछ भी नहीं किया, ब्रश नहीं किया, कुछ नहीं किया, जस्ट डायरेक्टली आके मैं आपके साथ ब्लॉगिंग करने के लिए लग गया हूँ। देखो यही है एक ब्लॉगर का लाइफ, कुछ भी हो सब कुछ रिकॉर्ड करते रहो। मैं मोस्ट प्रॉब्ली आपको कुछ अच्छा अच्छा जो जिस चीज़ हो रहा है वही दिखाना चाहता हूँ पूरा दिन, क्योंकि बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं जो हर चीज़ दिखाते हैं, मैं उसे नहीं दिखाना चाहता हूँ, आप भी बोर होते रहोगे, ठीक है। और हमारा भी पर्सनल लाइफ रहता है, तो वो सब चीज़ में कुछ कुछ चीज़ें जो अच्छी है वो तो मैं 100% आपको दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। जैसे कि देखो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, ये अराउंड अभी टाइम हो रहा है अराउंड 7:30 इन द मॉर्निंग, पर देखो फॉग कैसा है। फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं आगरा के पार्किंग में, अपनी गाड़ी पार्क कर दिया है यहाँ पे, और अब हमने लिया छोटा सा ऑटो, इलेक्ट्रिक ऑटो, जो हमको यहाँ पे पूरा घुमाएगा, 100 rupees चार्ज है। और फिर गाइड भी लिया है, जो गाइड हमको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। भैया आपका नाम मोबाइल देखते ही ठीक है भाई, तो मोबाइल देखते मंकी आ जाता है, तो भैया हमारे पास घुमाएंगे हमारे साथ पूरा। तो चलो गाड़ी में बैठ जाएंगे, सब बैठ गए हैं, हम भी बैठ जाते हैं। फ्रेंड हम एक होटल आए थे, केसर होटल, यहाँ पर हमने अपना ब्रेकफास्ट किया। अभी खाना बहुत अच्छा था, चाय भी बहुत बढ़िया था। बस अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से टूवर्ड्स, कहाँ जा रहे हैं भैया अगला, मीना बाज़ार। तो हम अभी जा रहे हैं मीना बाज़ार, जाके वहाँ पर भी देखते हैं क्या है। फ्रेंड्स हम चल पड़े हैं आगरा की मैसूर, वन ऑफ द वर्ल्ड ताजमहल की तरफ, और हम चाह रहे हैं बैटरी कार में। तो मेन आर्किटेक्ट भी पर्शियन थे, ओके। जो अभी कैलीग्राफी वगैरह देखे ना, उस्ताद अहमद लोहड़ी द्वारा लिखी गई है सर, ओके। क्योंकि लाहौर जो पहले इंडिया में था, अभी पाकिस्तान में है सर, ओके। और इसके 14 बच्चों के बारे में जब हम लोग ताजमहल के सामने जाएंगे तो मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है, कि क्या हैसियत है इस पत्थर की, और ये क्यों डिसाइड हुआ कि ताजमहल इसी पत्थर का बनेगा, ठीक है सर, समझ में आ रहा है, हाँ अंडरस्टैंड में। तो शाहजहाँ का असली नाम भी शाहजहाँ नहीं था,
राजकुमार खुर्रम, मुमताज जो थी उसका नाम जो ये मुमताज हुआ वो टाइटल नेम था, शाहजहां ने उनको टाइटल दिया था मुमताज। मुम मीन्स होता है माइंड पर्शियन लैंग्वेज, ताज मीन्स होता है क्राउन, सो यू आर माय ब्यूटीफुल क्राउन। शाहजहां जो थे उनका भी ये टाइटल नेम था शाहजहां, शाह मीन्स किंग, जहां मीन्स वर्ल्ड, किंग ऑफ द वर्ल्ड, ये उनके फादर जहांगीर ने उनको टाइटल दिया। जब आपको समझ में आएगा ताजमहल कैसे एक सिमेट्रिकल बिल्डिंग है, okay. लाइन के ऊपर आपको खड़ा करूंगा, जब मैं लाइन दिखाऊंगा आपको, जब लाइन हमारी यहाँ से शुरू होगी तो एंड उसका कहाँ पे होगा, मुमताज की ग्रेव के ऊपर, ओके। मुमताज की ग्रेव जो है सेंटर में है सर, एकदम बीच के बीच में अंदर। तो मैं अभी चलते हैं हम लोग वहाँ पे, तो देन आई विल टेल यू। ले थोड़ा जोर से, ये लाइन आप देख सकते हैं, हाँ एक्जेक्टली सेंटर में है, करेक्ट, ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला लाइन बोल रहे हैं जो दिख रहा है आपको, बिल्कुल आप स्ट्रेट देखिए शाम को सीधा में आपका छोटा डोर दिखाई देगा, है ना, उसके अंदर मुमताज की ग्रेव है ना, एग्जैक्टली सेंटर पे है फ्रेंड्स। जो लाइन आपको दिख रहा है एकदम सीधा आपको दिख रहा है, ये जो डोर, उस डोर के अंदर है मुमताज की ग्रेव, यस बिल्कुल उनकी समाधि, छोटा वाला है, ठीक है। है जो मेन एंट्रेंस द नॉर्थ गेट ताजमहल के लिए, फ्रेंड्स रोशनी से दिख तो नहीं रहा है पर अभी आपको शायद दिखा होगा ताजमहल, ये रहा ताजमहल, एक प्रेम की कथा है। तो फ्रेंड्स अभी हमारा फोटोग्राफी हो चुका है और अब हम ताजमहल के ऑलमोस्ट, ऐसा लग रहा है कि बहुत पास में है पर है नहीं, अभी भी जा रहे हैं। अभी आप वी सो आउटसाइड द फोर गार्डन, हमने चार गार्डन देखे थे बाहर में, है ना, अभी इधर में 12 गार्डन है टोटल, कितने गार्डन है 12, चार बाहर थे 12 अंदर हैं, 16 गार्डन ताजमहल के अंदर टोटल, और ये 53 फाउंटेन है, 53 फाउंटेन है। 1653 में ताजमहल कंप्लीट हो गया था, 1631 में बनना शुरू हुआ था, 1653 में कंप्लीट हो गया था, तो 16 गार्डन है और 53 फाउंटेन है ना। तो जैसे कि मैंने ताजमहल के बारे में आपको बताया, एक नायाब चीज है सर, ये आपके सामने है ताजमहल। तो ये ताजमहल आप देखेंगे एक्चुअली हर चीज सिमेट्री में है, है ना, वो गेस्ट हाउस है उस समय का सर, ओके वो गेस्ट हाउस है, वो गेस्ट हाउस है, ओके है ना। एग्जैक्टली एक चीज बनाते और एक चीज ना बनाते तो वो एग्जैक्टली आपको सेंटर नहीं लगता था, ओके एग्जैक्टली सिमेट्री नहीं होती। तो उधर भी एक गेस्ट हाउस है, मस्जिद है, ओके ये लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में मस्जिद है, मस्जिद है और राइट साइड में गेस्ट हाउस है, ओके ठीक है। ताजमहल ये आपके सामने, बॉटम टू टॉप इस ताजमहल की जो हाइट है 243 feet, 243 feet, ओके अप्रोक्सीमेटली 81 meter का ये ताजमहल है, मोर देन दिल्ली कुतुब मीनार, ओके ये कुतुब मीनार से भी ऊंचा है, ताजमहल चौड़ा बहुत है, वो सिंगल मीनार है, इसलिए ताजमहल आपको ऊंचाई में नहीं लगेगा, है ना, इसकी हाइट नहीं लगेगी, कुतुब मीनार वो सिंगल मीनार है इसलिए वो हाइट टॉल लगती है, ओके है ना भाई इधर देख के ताजमहल की जो ये चारों साइड आप देखेंगे ताजमहल देखने में एक सा है, किसी भी साइड से आप पिक्चर्स लेंगे तो आपको एक सा फोटो मिलेगा देख पिक्चर्स में, है ना, ये चारों जो मिनरेट्स हैं, है ना, 4 मिनरेट्स है ताजमहल की, हाँ ये लीनिंग है बाहर की तरफ, ये जो मेन ऊपर वाले लंबे वाले, ये लंबे वाले आप देखें ध्यान से बाहर की तरफ झुके हुए हाँ है, हल्का सा लगता है अभी बोलने के बाद लग रहा है, बोलने के बाद ऐसे ठीक है, ठीक है। अगर फ्यूचर ये ऐसे लीन डिजास्टर या अर्थक्वेक वगैरह आता तो ये ताजमहल के ऊपर नहीं गिरेंगे, ये ताजमहल को डैमेज नहीं करेंगे, ओके ये बाहर की तरफ गिर जाएंगे, आउटसाइड है तो ये बाहर गिर जाएंगे, है ना। ताजमहल ये जो आप देख रहे हैं ब्रास का ऊपर का, हाँ है ना, ये भी आपको छोटा लग रहा होगा, 30.5 feet इसकी हाइट है सर, ओके है ना,
वो जो ब्रास का है ना ऊपर, वो 10 मीटर का लगता है ना, 30.5 फीट उसकी हाइट है। ताजमहल के अंदर शाहजहां और मुमताज की कब्र है। ओके, जो अभी टूरिस्ट विजिट करने आते हैं वो अभी देखने को मिलती है उनको रेप्लिका, ओके, डुप्लीकेट वाली, वो ओरिजिनल नहीं है। जो उसकी असली ग्रेव है शाहजहां और मुमताज की, वो नीचे है बेसमेंट। ओके, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इस्लाम, जो किंग वगैरह हुआ करते थे वो कोई भी ग्रेव अगर उनके रिश्तेदार हो कैसा भी हो तो उसके ऊपर रेप्लिका बनाते थे। रेप्लिका बनाने का उनका बहुत बड़ा रीज़न था। रेप्लिका वो इसलिए बनाते थे अगर किसी राजा के ऊपर से कोई चला जाएगा तो उसके लिए क्या होगा, right, राजा के ऊपर से कवर से निकल गया, right, right. उन्हें फ्यूचर के हिसाब से भी देख के उसको बनाया गया, बिल्डअप कराया गया। तो जब भी वो रेप्लिका बनाते थे उससे खूबसूरत बनाते थे, अगर जो भी कोई फ्यूचर विजिटर्स वगैरह आएगा तो सीधा कब्र के ऊपर से नहीं जाएगा, वो घूमता हुआ जाएगा। तो दैट्स व्हाई ही वाज बिल्ट रेप्लिका, इसलिए रेप्लिका बनाते, समझ रहे हैं ना फ्रेंड्स। ये एक्चुअल में वहाँ पर जो बेंच आपको दिख रहा है वो लेडी डायना बेंच है, जो लेडी डायना वहाँ पे बैठी थी। पर प्रॉब्लम है ये है कि बीच में एक फाउंटेन है जिसकी वजह से आप फोटो नहीं ले सकते हो, तो इसलिए अभी फोटोग्राफी के लिए इसको बोलते हैं लेडी डायना बेंच। पर वो लेडी डायना नहीं है, वो है असली लेडी डायना बेंच, जहाँ से आपको वो एकदम सेंटर ऑफ दी ताजमहल के डोर, मेन जो डोर है उस जो डोर है उससे एकदम सेंटर में है ये बेंच, और वहाँ से एकदम व्यू बहुत सुंदर है। 400 साल से ऐसे ही ऐसे चमक रहा है, चमकाया गया है इसको एक बार। तो जैसे मेरे गाइड बोल रहे थे कि इसको चमकाने के लिए पानी नहीं कर सकते, केमिकल यूज़ नहीं कर सकते, अगर ये सब यूज़ करेंगे तो इसकी शाइन चली जाएगी, मार्क्स आ जाने लग जाएंगे। इसको मुल्तानी मिट्टी से ही साफ़ किया जाता है, तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो नीचे पूरा वाइट है और ऊपर थोड़ा कलर डल है। प्रॉब्लम ये हुआ जब एक क्लीनिंग कर रहे थे, जब फॉरेनर्स जब विजिट करने आते थे तो ऊपर का वो ढका रहता था ग्रीन कलर से, तो ताजमहल का शो नहीं मिल रहा था, ये शो नहीं मिल रहा था बल्कि बहुत कंप्लेंट आने लग गई। तो नीचे का पूरा क्लीन कर दिया पर ऊपर का नहीं क्लीन किया अभी तक, तो वो थोड़ा डलनेस हो चुका है। पर वो डलनेस भी अभी जब भी टाइम मिल रहा है वो क्लीन करे जा रहे हैं इसको। तो आप फ्रेंड्स, ताजमहल आप लोगों को कैसा लग रहा है, एक इस वीडियो के लिए लाइक दे दीजिए। तो फ्रेंड्स, ये है यमुना नदी, आप देख ही सकते हैं। और ये है हमारी ताजमहल, कवर वाइट और मेरी पीछे ब्लैक पत्थर में है ना। ओके, ऐसे ही ताजमहल बनना था लेकिन वो एम्बिशन कंप्लीट नहीं हुआ, औरंगजेब की वजह से बेटे ने करने नहीं दिया, बेटे ने उसको बंदी बना लिया। फ्रेंड्स, आपको वहाँ पे दिख रहा है ताजमहल, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो ये व्यू जो है सबसे बढ़िया है। अब खाना खाएंगे थोड़ी देर में हम, और फिर यहाँ पे मेकअप सेट हो रहा है, डांस। ये बच्चे बदमाशी कर रहे हैं। बस इसके बाद खाना खाते हैं हम लोग और फिर निकलते हैं। 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. Hey friends, तो हम आगरा फोर्ट नहीं गए क्योंकि बच्चों को सबको भूख लगी थी और सब टायर्ड भी हो गए थे, ताजमहल में बहुत वॉकिंग हो गया था। तो हम घर पहुंच चुके हैं, आप देख ही सकते हो मैं घर के अंदर हूं, और अभी टाइम हो रहा है 10 o'clock, हमने डिनर भी कर लिया है। तो आज का ब्लॉग मैं इधर ही ख़त्म करता हूं। हम सेफली पहुंच गए, और अगर आपको अच्छा लगा है ये वीडियो ताजमहल के बारे में अपडेट देखा आपने, हमारे गाइड ने सब एक्सप्लेन किया था, तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और शेयर कर देना किसी से भी। ताजमहल ओपन है, आप टिकट वहाँ पर भी जाके ले सकते हो, ऐसा नहीं कि ऑनलाइन करना है, वहाँ पर भी जाकर टिकट ले सकते हो, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इस ब्लॉग को इधर ही ख़त्म करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, हैव ए वंडरफुल डे।